स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की मुश्किल फिर से बढ़ी है, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत नहीं मिला है, उनका न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गया है, बताएंगे पूरा मामला। वहीं BRS नेता के कविता को जमानत मिली है इसी केस में, हालांकि अरविंद केजरीवाल पर दो दो केस है, तो बताएंगे, तमाम जानकारी देंगे, बने रही वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी है। CM बोले शुगर लेवल डाउन हो रहा है, लंच की मांग की। CBI ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। दिल्ली शराब नीति केस में BRS नेता के कविता को हालांकि जमानत मिल गया है। मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह, ये सारे नेता छूट चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ही बचे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल भी लगभग अब छूटेंगे ऐसा कहा जा रहा था, पर उनकी न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है और उनकी मुश्किलें बढ़ी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े केस में, CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को यानी 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रावनी कोर्ट में पेश हुए। इसमें कोर्ट ने बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसी वजह से लंच करने की इजाज़त मांगी है। CBI ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही उनको जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को CBI कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। CBI ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और उस पर सुनवाई होगी। केजरीवाल के खिलाफ दो केस हैं, ईडी, पहला केस है ईडी केस, सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है उन्हें। CBI केस दूसरा है। CBI सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जमानत देने से CBI केस में इनकार कर दिया है, हालांकि केजरीवाल इसी कारण से जेल में है। ईडी के केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है 12 जुलाई को ही। 26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। CBI शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और CBI दोनों का केस चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, हालांकि इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह जेल में बंद है। CBI 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 12 जुलाई को ईडी सुप्रीम कोर्ट में जमानत उनको दे दिया गया था, उसके बाद भी वह जेल में है क्योंकि CBI का केस उन पर ऑलरेडी चल रहा है। गिरफ्तारी को लेकर CBI की दो दलीलें हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। पिछले एक महीने में जितने सबूत आए वे उसी तरीके के हैं। ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जो कि दिखाते हैं कि पूरी आबकारी घोटाले के सूत्रधार केजरीवाल ही हैं। और केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या नहीं इसका परीक्षण पहले ट्रायल कोर्ट में किया जाता है, इसके बाद वह जमानत के लिए आधार बनाता है। गिरफ्तारी के खिलाफ दो दलीलें, यह कुछ और नहीं बल्कि एक इंश्योर गिरफ्तारी है, जब आप चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, केजरीवाल की तरफ से ये दलील दी गई थी। तो दोस्तों केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई, हालांकि इसी केस में BRS के नेता के कविता को जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं, संजय सिंह बाहर हैं। केजरीवाल भी लगभग ईडी के चंगुल से तो निकल ही चुके हैं, क्योंकि ईडी के केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। CBI का केस देखते हैं कितना लंबा खींचता है और केजरीवाल को कब तक जमानत मिलती है। 3 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के वीडियो पे। तमाम वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा, तमाम एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस से जुड़ा हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली तक भेजिए, उनको भी फायदा मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।